50 करोड़ रुपए की लागत से 468 डबल बेडरूम 22 ब्लॉक में तामीर किए गए। ये मकानात अवाम को मुफ्त तकसीम किए गए हैं। MIM के लाल भाई ने हावड़ा टिकियापाड़ा के बंदर पट्टी में रेलवे की जमीन पर रहने वाले गरीब लोगों के लिए पुनर्वास की मांग की है। उनकी ये मांग केंद्र और राज्य दोनों सरकारों से है। MIM के लाल भाई का ये भी कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती उस वक्त तक उनकी ये लड़ाई जारी रहेगी। जैसा कि आपको मालूम है कि तकरीबन एक महीना से यह प्रोटेस्ट जारी है और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अपनी पूरी ताकत के साथ चाह रही है कि इन झोपड़ भट्टियों वालों को यहाँ से ख़त्म किया जाए, उजाड़ फेंका जाए। और इसको लेकर आपने ये भी देखा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से समन जारी किया गया था हमको, लेकिन ये हमें समझ में नहीं आता कि अभी तक ममता बनर्जी खामोश क्यों हैं और उनके सरकार के सारे नुमाइंदे खामोश क्यों हैं। अब हमें ये समझ में आ रहा है कि ये सारा कार्रवाई जो हो रहा ममता बनर्जी के इशारे पर हो रहा। अगर ऐसा नहीं है, अगर ममता बनर्जी ऐसा नहीं करवा रही है, तो आप बताइए कि बहुत सारा योजना है सरकारी स्कीम जिसे ममता बनर्जी ने खुद भी कहा था कि हमारा योजना है जिसमें घर दिया जाएगा, लेकिन आज हमको समझ में आ रहा है कि सिर्फ लफ्जी माने उनकी है, यानी कि झूठ की सरकार। सिर्फ वो भरोसा देती है, आश्वासन देती है कि हम देंगे, लेकिन देती कुछ नहीं है। जैसा कि मिसाल के तौर पर आपको मालूम होना चाहिए कि कल तेलंगाना सरकार ने तकरीबन 350 करोड़ रुपये की लागत से 450 फ्लैट मुहैया करवाई, मतलब डबल बेडरूम का फ्लैट तामीर करवाया 450, और 450 उन गरीब बस्ती वालों को दिया जो ज़रूरतमंद थे। तो आप बताइए, जिस स्टेट से हमारे सदर मजलिस फारिक शाह सुदीन साहब आते हैं वो स्टेट का काम देखिए, आज जिस स्टेट में हम रखते हैं उसमें सिर्फ लफ्जी माने हैं, काम कुछ भी नहीं है। अगर ममता बनर्जी वाकई में देना चाहती तो उनके नुमाइंदे ही आते, सर्वे करते और उनको मकान मुहैया कराते। हम बिल्कुल यही बात चाह रहे हैं कि आप देखिए कि आप अगला स्टेट जो काम कर सकते हो वो भी हिंदुस्तान का एक हिस्सा है तेलंगाना, तो जब वहाँ हो सकता है तो यहाँ क्यों नहीं हो सकता है। बिल्कुल, ये तो झूठ की सरकार है, ये सिर्फ लफ्जी माने। ममता बनर्जी आश्वासन देती है कि हम ये करेंगे, करती कुछ नहीं है। आपका स्टेट आपसे संभलता नहीं है, आप जाके बनारस से प्रचार कर रही हैं, वहाँ खेला होवे। जिस दिन यहाँ पर आवाम आपके साथ खेला करेगा दीदी, या आप समझ जाइएगा आपको बहुत महंगा पड़ने वाला। आप ये बताइए कि आप उर्दू को दूसरा जवान बोली थी, आज तक दूसरा जवान नहीं मिला। दूसरी बात, आप नौकरी के बारे में कहा जा रहा है कि जो बंगला जवान का होगा उसको नौकरी दी जाएगा। तीसरी बात कि यहाँ झोपड़पट्टी वालों को उजाड़ा जा रहा है, आप खामोश तमाशाई बनने बैठी हुई हैं। तो आप बताइए, इन सारे बातों का जवाब आपको आवाम को देना पड़ेगा। और हाँ, काम के तौर पर तो ये चीज़ जाहिर हो गया कि अदर स्टेट में सारा गरीबों के साथ साना बसाना सरकार किसी न किसी हिसाब से खड़ी है, सिवाय बंगाल के छोड़ के, आपको छोड़ के। जिन्हें मीडिया के थ्रू हमने देखा था कि उनके जो है लीडर्स हैं और उनके जो नुमाइंदा है, उनने जवानी कहा है कि भाई हम गरीबों का साना बसाना खड़े हैं और जो ये प्रोटेस्ट चल रहा है हम उसको सपोर्ट करते हैं और ममता बनर्जी उनको घर देगी। लेकिन हमें लगता नहीं है वो घर देंगे। अगर घर देती तो एक टीम मुहैया कराती, आई टीम भेजती यहाँ पर, इन लोगों को कम से कम सब्र होता कि कहीं ना कहीं ममता बनर्जी हमारे साथ खड़ी है। जी बिल्कुल, हमारी एक टीम जो है डेलीगेशन जाने वाली है और हम हर वो महकमा में जाएंगे जहाँ पर हम अपील करें और सुनवाई हो और इन गरीबों का घर दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। रेलवे तो एक स्कीम के तहत हमें यूँ कहें कि हमें अरेस्ट करने का प्रोग्राम था, लेकिन एक मजमा को देख के उन्होंने अपना कदम को पीछे हटाया और फिर कहीं ना कहीं हमें लगता है कि एक प्लानिंग चल रहा है उनको। हर हमको उससे कोई खौफ डर भी नहीं है, बस हमारा एक मकसद है, एक ख्वाहिश है कि इन गरीबों को कैसे भी उनका मकान मिल जाए और उनका आशियाना बन जाए और वो खुशगवार ज़िंदगी बसर करें। ये तो होता आया है कि जब आप गरीबों का साना बसाना खड़ा होंगे, जब आप मजलूमों की आवाज़ बनेंगे, जब आप कमज़ोरों के साथ खड़ा होंगे, तो आपको जो है अनीस की तरह ऊपर से फेंक दिया जाएगा या लाल भाई की तरह आदेश करवा दिया जाएगा। मेरा पहला और आखिरी डिमांड सिर्फ यही है कि इनको दो रूम का फ्लैट मकान मिले जिस तरह अदर स्टेट में तेलंगाना में हुआ है, और जो है एक खुशगवार ज़िंदगी बसर करें और इनको ये चीज़ का एहसास हो कि हम वाकई में जो सरकार को हमने वोट दिया है वो जो है हमारे काम आई और हमारे जो दुख सुख में शामिल हुई और हमारे मकान को दिलाने में उनका सबसे बड़ा रोल रहा। आइए सुनते हैं हावड़ा डोमजूर के MLA और तृणमूल कांग्रेस के सदर गौतम घोष का इस बारे में क्या कहना है। पुनर्वासन ने बोली हमारा उच्छेद विपक्षे, पुनर्वासन पक्षे, पुनर्वासन प्रकृतपक्षे दिले हमार नेत्री মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় করে দিতে পারবে।